हाय गाइस, आज हम नेटो के बारे में पढ़ेंगे। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो आइए सबसे पहले हम ज्योग्राफी देखते हैं, ठीक है। तो ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये यूरोप है, ठीक है। ये यूरोप है और ये रसिया है, ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो फिनलैंड है, जो यूरोपियन कंट्री है, रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। स्वीडन के साथ, नॉर्वे के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड ने एज अ 31st मेंबर नाटो को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए नाटो काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। और रसिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया था तब भी नाटो काफी ज्यादा लाइमलाइट में था, ठीक है। तो आज हम इसी नाटो के बारे में देखेंगे। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। ये यूएसए का फॉरेन पॉलिसी था, जिसको हम ट्रूमैन डॉक्ट्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन से इस रीजनल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम नाटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ। इसकी जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का जो मेन एजेंडा था वो यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए था, ठीक है। ये कोल्ड वॉर टाइम पे बना था ये जो रीजनल ग्रुपिंग है नाटो, ठीक है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इसमें अभी तक 30 मेंबर थे, जिसमें 28 यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज थी 28, और दो अलग की कंट्रीज थी, जो मतलब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की दो कंट्रीज थी, यूएसए और कनाडा, ठीक है। तो 30 मेंबर से बना हुआ था। अभी 31st मेंबर जो ज्वाइन हुआ है उसको, वो फिनलैंड है, ठीक है। मतलब फिनलैंड ने एज ए 31st मेंबर नाटो को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। 12 फाउंडिंग मेंबर्स के नाम है यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, पोर्तुगल, डेनमार्क, बेल्जियम। ये इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ज्योग्राफी भी बता दी कि ये जो मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो अटलांटिक ओशन से क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका भी अटलांटिक ओशन से बाउंड्री शेयर करता है। कनाडा हो गया, कनाडा भी करता है, ठीक है। यूके, फ्रांस, स्पेन वगैरह, ये सारी मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे, ये अटलांटिक ओशन से बाउंड्री शेयर करते हैं। इसीलिए इस जो ट्रीटी या जो ग्रुपिंग है इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव में, अगर मेन ऑब्जेक्टिव इसका देखा जाए तो ये मिलिट्री एक तरीके से मिलिट्री पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट है कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो अगर नाटो के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव या इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो उसको देखते हैं। तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है सिक्योरिटी का, ठीक है। जो भी कंट्रीज नाटो ज्वाइन करती है उनका जो कॉमन पर्पज है वो है सिक्योरिटी का। मतलब ये आपस में ये एक तरीके का डिफेंस पैक्ट है, ठीक है। और ये मिलिट्री अलायंस भी इसको हम बोल सकते हैं, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो रसिया को काउंटर करना था, मतलब रसिया को कंटेन करना था, ठीक है। और मेरीटाइम सिक्योरिटी बनाना था, मतलब मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन में मेरीटाइम सिक्योरिटी बनाना, अफ्रीका यूरोप से जो कंट्रीज ट्रेड वगैरह करती हैं उसके लिए मेरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्रीज करना था, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी भी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे इसके पर्पज हैं, ठीक है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं मिलिट्री अलायंस। तो आर्टिकल 5 में दिया गया है, मतलब जो नाटो का आर्टिकल 5 है, ठीक है, उसमें दिया गया है कि अगर कोई भी कंट्री अगर किसी भी नाटो मेंबर कंट्री पे अटैक करती है, ठीक है, तो सारे जितने भी नाटो मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे मिलके उस कंट्री पे अटैक करेंगे, ठीक है। इस आर्टिकल 5 ऑफ नाटो में दिया गया है, ठीक है। ये तो पहला था ऑब्जेक्टिव इनका, सिक्योरिटी या डिफेंस पैक्ट और मिलिट्री अलायंस, ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव था इनका। दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी कुछ सेम इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, उनका फ्रेमवर्क कहाँ होगा वो नाटो करेगा, ठीक है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, मतलब ट्रेड टैरिफ वगैरह कम कर देंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। और इसमें जनरली रसिया को कंटेन करने के लिए किया गया है, ताकि मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज यूरोप की हैं वो आपस में ट्रेड वगैरह करें और रसिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इन कंट्रीज पे कम रहेगा, ठीक है। इससे तो रसिया को कंटेन करने के लिए किया गया है। और जाहिर सी बात है, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, ठीक है, ट्रेड वगैरह आसानी से हो पाएगा, टैरिफ नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है ट्रेड वगैरह काफी ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी होंगी, ठीक है। और कुछ सैंक्शनिंग करना, जैसे
किसी कंट्रीज ने अगर किसी नाटो कंट्री पे अटैक कर रहा है तो उसके ऊपर हम बहुत सारा इकोनॉमिक सेंक्शन लगाएंगे, पॉलिटिकल सेंक्शन लगाएंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई भी नाटो कंट्री है तो हम उसको बोल देंगे कि जैसे मान लीजिए रसिया रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, तो रसिया के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सेंक्शन नाटो लगाएगा, ठीक है। अब इसे यह होगा जो भी कंट्रीज जैसे जर्मनी अगर ट्रेड कर रहा है किसी चीज़ से रसिया से, ठीक है, तो ट्रेड करना बंद कर देगा, तो क्या होगा, इकोनॉमिक कंटेनमेंट होगा, ठीक है, उसका जो रसिया का इकोनॉमिक कंटेनमेंट होगा एक हिसाब से। तो इसीलिए दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेमवर्क करना, ठीक है। अब जैसे एक इनका अपना एक बैंकिंग सिस्टम था जिसको बोलते हैं स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो क्या किया नाटो ने, इसको रसिया को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से निकाल दिया, ठीक है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव देखें, तीसरा अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है। जैसे कि आपको पता है कि जो जो यूएसए है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ठीक है, और जो रसिया है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे वो कम्युनिज्म है, ठीक है, तो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता है। तो ये एक तरीके का आइडियोलॉजिकल वारफेयर था। तो अगर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होगा पूरे पूरे यूरोप का, तो कहीं ना कहीं जो यूएसए है वो अपना ऑब्जेक्टिव जिसका जिसका ऑब्जेक्टिव है पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, तो कहीं ना कहीं वो प्रमोट करेगा, ठीक है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मतलब प्रोपेगेशन ऑफ डेमोक्रेसीज, ठीक है। और एक तरीके से डेमोक्रेसी हम लोग प्रपोज कर रहे हैं मतलब रसिया का आइडियोलॉजिकल कंटेनमेंट हो रहा है, जो रसिया से ओरिजिन हुई आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट की उसको हम लोग कंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो मतलब नाटो का हमने तीन ऑब्जेक्टिव देखा, सिक्योरिटी मतलब मिलिट्री अलायंस है, इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करना, कॉमन इकोनॉमिक गोल्स हैं सबके, ठीक है, सैंक्शनिंग करना, और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मतलब पूरे यूरोप को एक यूनिटी एक एंटिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिनलैंड ने क्यों ज्वाइन किया, मतलब फिनलैंड को क्या जरूरत पड़ गई नाटो को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपको पता है रसिया ने फिनलैंड पे वो सॉरी यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिनलैंड को भी डर लग रहा होगा कि हाँ हम लोग के ऊपर भी अटैक कर सकता है रसिया, तो इसी डर से क्या एक डर भी है, थ्रेट भी है, ठीक है, रसिया के अटैक से। तो वो भी एज अ 31st मेंबर फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसका अगर एडवांटेजेस देखें तो फिनलैंड को क्या एडवांटेज मिलेगा, सबसे पहले तो इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब अभी ये था कि डिटरेंस की तरह काम करेगा ये, मतलब अब रसिया डरेगा फिनलैंड पे अटैक करने के लिए कि अगर कहीं फिनलैंड पे अटैक किया तो जितनी भी कंट्रीज हैं यूएसए कनाडा जितने भी नाटो वाली मेंबरशिप वाली कंट्रीज हैं वो सारी मिलके रसिया पे अटैक कर देंगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, फिनलैंड ये चाहता है कि इसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाए, रसिया की जो थ्रेट है रसिया से ये इसका कम हो जाए, ठीक है, और ये जो नाटो है डिटरेंस की तरह काम करे, ठीक है, मतलब प्रिजर्व करे इससे रसिया रसिया के अटैक से प्रिजर्व करे इसको बचाए। और दूसरा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर ये नाटो ज्वाइन करता है तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसीज के अंदर आ जाएगा, तो मतलब ये इसका जो ट्रेड होगा काफी स्मूथ हो जाएगा मल्टीपल कंट्रीज से, जर्मनी से पोलैंड वगैरह से, ठीक है। ये तो और ये देख रहा है कि ये भी देख रहा है कि रसिया और यूक्रेन कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं, कितना ज्यादा लाइफ प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, ठीक है। रसिया यूक्रेन तो सफर कर रहे हैं, पूरा पूरे वर्ल्ड भी दुनिया ने भी सफर किया है, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गए हैं, ठीक है, ऑयल क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं, ठीक है। तो मैंने देखा मैंने बताया आपको कि फिनलैंड ने क्यों ज्वाइन किया है नाटो को, ठीक है। तो आइए हम लोग जियो पॉलिटिकल इशू देखते हैं, ठीक है, कि मतलब रसिया यूएसए और नाटो का क्या जियो पॉलिटिकल इशू है या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। जियो पॉलिटिकल मतलब दो वर्ड से बना, जियो जियो मतलब जियोग्राफी और पॉलिटिकल मतलब वहाँ का अपना इंटरेस्ट, किसी कंट्री का इंटरेस्ट या पॉलिटिकल बेनिफिट, उसी से बना हुआ है जियो पॉलिटिकल, ठीक है। तो जियो पॉलिटिकल इशू क्या हम लोग समझेंगे कि नाटो और यूएसए रशिया के बीच में क्या जियो पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो 1945 में इंड हुआ, उसका खत्म हुआ जब यूएसए ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को अटैक किया, न्यूक्लियर अटैक किया था जापान पे, ठीक है। तो उसी टाइम पे 9 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वार सेकंड इंड हुआ। जब वर्ल्ड वार सेकंड इंड हुआ तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जापान वगैरह थी, जो भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो सफ़र कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सफरेज था। अगर देखा जाए तो वो लोग सोशली काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ट्रोमा में थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर मतलब दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक था इधर यूएसए दूसरा था यूएसएसआर, क्योंकि यूएसए ने काफ़ी बेनिफिट लिया इस जो वर्ल्ड वार सेकंड हुआ उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ। जैसे यूएसए में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेकंड चल रहा था, पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है,
जो शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वो इंग्लैंड में हुई, लेकिन जो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसका जो अगर देखा जाए उसका जो वो जो रहा तो यूएसए में हुआ, ठीक है। और दूसरा यूएसएसआर, यूएसएसआर को भी काफ़ी फायदा हुआ इससे, जैसे सबसे बड़ा मतलब देश है ये एरिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी इसकी काफ़ी इंक्रीज हुई, रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1917 में, ठीक है। तो इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी काफ़ी ज़्यादा, रशिया को काफ़ी काफ़ी ग्रोथ हुआ। तो यहाँ से दो दो आइडियोलॉजीज निकलती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर, दो पोल में डिवाइड हो गया, एक तरफ था यूएसए तो दूसरी तरफ था यूएसएसआर, दोनों सुपर पावर की रेस में लग गए, ठीक है। यूएसए जहाँ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, वहीं यूएसएसआर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे, ठीक है। जहाँ यूएसए डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था तो यूएसएसआर कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। जहाँ यूएसए में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था तो वहीं यूएसएसआर भी इकोनॉमिक काफ़ी इकोनॉमिक इन्फेक्शन वो एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज से इसकी जो इकोनॉमी है काफ़ी दोनों कंट्रीज की ग्रो कर रही थी। तो क्या होता है कि जब ये दो पोल में जब डिवाइड हो गए तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, अब कोल्ड वार शुरू होता है, ठीक है। कोल्ड वार मतलब, अब कोल्ड वार बोलेंगे एक तरीके से ऐसा वार जिसमें हम लोग हार्ड पावर का यूज नहीं करके सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये दोनों सुपर पावर की रेस में लग गए कि मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा सुपर सुपर पावर किसका कौन होगा, यूएसए होगा या यूएसएसआर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, रेस में लग गए, आर्म रेस मतलब न्यूक्लियर रेस में लग गए। दोनों न्यूक्लियर टेस्ट बहुत सारा कर रहे थे 1949 में। रसिया ने सार, TSAR, सार जो न्यूक्लियर है उनका टेस्ट किया, ठीक है। तो न्यूक्लियर रेस हो रहा था इन लोग के बीच में, स्पेस रेस हो रहा था, ठीक है। स्पेस में कौन सबसे पहले जाएगा, कौन चांद पे जाएगा या कौन सबसे सबसे पहले मिसाइल लॉन्च करेगा वगैरह वगैरह, इस चीज़ पे इनका इनका रेस शुरू हो गया, ठीक है। ये सुपर पावर की होड़ में लिख गए। आइडियोलॉजिकल वारफेयर चल रहा था, कुछ कंट्रीज ये जो यूएसएस हैं, यूएसए जो डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रहा है, यूएसए आज जो सोशलिस्ट या कम्युनिज्म जो फॉलो कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी वार्स भी करने लगे, मतलब खुद तो वार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन आपस में कहीं कंट्री एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है तो उनकी आइडियोलॉजी देखते हैं, अपना बेनिफिट देख रहे हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इन्हीं जब कोल्ड वार का एरा चल रहा था तो यहाँ तो उसी टाइम पे वहाँ के एक जो प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, ठीक है। तो ट्रूमैन की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ठीक है। और उसी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन से नाटो का फॉर्मेशन हुआ 1949 में, ठीक है। तो इसने क्या हुआ, नाटो में जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी जिनका जिनका जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो एंटी रसिया थी, ठीक है। तो इसका काम था कि रसिया को या यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए सारी कंट्रीज को एक साथ उनका ग्रुप करना, ठीक है। ये यूएसए का हिडन मोटिव था कि जो एंटी रसिया एक तरीके से जो नाटो बनाया है वो एंटी रशियन ग्रुपिंग है, ठीक है। जो भी कंट्रीज रसिया के खिलाफ थी उनका उनका एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। और इसका यूएसए का अपना इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत सारा मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको इकोनॉमिक एक्सपेंशन करना है, रसिया को भी करना है, तो ये इसका अपना इंटरेस्ट हो सकता है। और बहुत सारी कंट्रीज को ये पपेट पपेट की तरह यूज करता है, ठीक है। जैसे जैसे यूक्रेन हो गया, यूक्रेन को इसने ऑफर किया था कि आप नाटो में ज्वाइन हो जाओ, नाटो का मेंबरशिप, ठीक है। और ये भी रसिया ने एलिगेशन लगाया अमेरिका पे कि ये केमिकल वेपन्स वगैरह का यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग भी कर रही है, मिलिट्री ट्रेनिंग कर रही है। तो एंटी रशियन जो भी एक्टिविटीज हैं वो करता है, ठीक है, नाटो का हेल्प करके यूएसए। तो ये देखते हैं रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया, ठीक है। मतलब रसिया ऐसा क्या सिचुएशन आ गई कि रसिया को अटैक करना पड़ा यूक्रेन पे। तो आपको पता है कि 2014 के बाद जो जो मामला है इन दोनों के बीच में, रसिया यूक्रेन के बीच में, काफ़ी ख़राब हो गया, ठीक है। अब यूक्रेन को अगर देखा जाए तो यूक्रेन बाउंड्री शेयर करता है रसिया से, ठीक है। पहले यूएसएसआर का ये पार्ट भी हुआ करता था यूक्रेन जो है, ठीक है। 2014 से पहले यहाँ पे एक गवर्नमेंट थी जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी। अब वहाँ के अगर लोग देखा जाए तो रशिया ऐसा बोलता है कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो उनकी जो एथनिकसिटी है, उनका लैंग्वेज वगैरह सब रशियन है, ठीक है। एक टाइम था जब यूक्रेन जो है रशिया का पार्ट हुआ करता था। तो रशिया कहीं ना कहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो की तरफ ना जाए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में कम आए, ठीक है, क्योंकि एक तरह पहले ये यूएसएसआर का पार्ट भी हुआ करता था, ठीक है। तो 2014 से पहले क्या यहाँ पे प्रो रशियन गवर्नमेंट थी। लेकिन जब जैसे कि आपको पता है कि रसिया जो है इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो चुका है, ये नाटो का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है रसिया पे, ठीक है। कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो यूएसएसआर को तोड़ने में और रसिया को कंटेन करने करने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है, ठीक है। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस
बढ़ रहा है यूक्रेन के ऊपर, जैसे एंटी रशियन गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, पहले प्रो रशिया हुआ करती थी तो अभी एंटी रशियन गवर्नमेंट आ गई। अब इसने क्या किया, जो एंटी रशियन गवर्नमेंट 2014 के बाद आई, उसने क्या किया, जो बहुत सारी गैस पाइपलाइंस रशिया की पास होती हैं यूक्रेन से, अब जब यूक्रेन से पास होती है तो वो यूक्रेन को रशिया रेंट भी देता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया उस गवर्नमेंट ने, क्या किया कि जो रेंट है वो गैस पाइपलाइंस पे जो रेंट है उसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको रशिया क्या समझ रहा है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है या यूएसए या नाटो का इन्फ्लुएंस ही है जिसकी वजह से ये एंटी रशियन एक्टिविटीज कर रहा है यूक्रेन, ठीक है। और फिर यूक्रेन को नाटो का प्रपोजल आया, ठीक है, कि नाटो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अब जैसे कि आपको पता है नाटो के बारे में बताया कि नाटो का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो रशिया को कंटेन करने के लिए, ठीक है, सारी सारी सैंक्शनिंग करती है, रशिया को रशिया के खिलाफ एक्टिविटीज करती है, एंटी रशियन एक्टिविटीज करती है, मिजाइल डिप्लॉय करना, केमिकल वेपन का टेस्टिंग करना, ठीक है। तो रशिया कहीं ना कहीं ये जो भी लगता है रशिया को अपने अगेंस्ट लगता है, जो भी एक्टिविटीज नाटो करता है तो वो एक्टिविटीज जो रशिया को अपने अगेंस्ट लगता है, इसलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो कभी नाटो ज्वाइन ना करे। तो उसने अमेरिका को बोला कि मुझे रिटर्न में प्रपोजल चाहिए, मतलब रिटर्न रिटर्न में चाहिए कि जो यूक्रेन है वो नाटो ना ज्वाइन करे, ठीक है, और कई सारे मतलब डिमांड्स करे। लेकिन अमेरिका ने एक भी डिमांड नहीं की पूरी की, क्योंकि असल में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो यूएसए का है वो इसको यूक्रेन को पपेट की तरह यूज करके रशिया के खिलाफ ऐसे एंटी रशियन एक्टिविटीज करना, ठीक है। मिलिट्री हार्डशिप काफी इंक्रीज कर रहा है, केमिकल वेपन्स का टेस्टिंग वगैरह, ये एलिगेशन लगाया है रसिया ने यूएसए पे कि केमिकल वेपन्स का ये कर रहा है, ठीक है, और ये पपेट की तरह यूज करता रहा है हमेशा कंट्रीज को यूएसए, ठीक है। तो ये सब जो एक्टिविटीज हैं इन्हीं को देख के, इन्हीं के अगेंस्ट में ये रसिया का रिटेलिएशन हुआ है, ठीक है, जो यूक्रेन पे रसिया ने अटैक किया है ये रिटेलिएट कर रहा है, मतलब एक तरीके से रिएक्शन है रसिया का, ठीक है। इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबल सप्लाई चेन हो गया, ठीक है, जैसे कि अभी आप जर्मनी वगैरह देख लो, तो जर्मनी सबसे बड़ा इसका ट्रेड पार्टनर है इसमें। आपको पता होगा कि रशिया में नेचुरल गैस वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कैस्पियन रीजन है, ब्लैक सी रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे खूब ज़्यादा नेचुरल गैस वगैरह मिलता है। तो क्या करता है रशिया जो है वो जर्मनी को बहुत सारा गैस वगैरह पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड करता है। वो पाइपलाइन में पहले तो यूक्रेन से बहुत सारी जा रही थी, 2-3 पाइपलाइन तो बाल्टिक सी से भी गई है, ठीक है। तो अगर तो रसिया अगर सप्लाई कट कर देता है इन गैसेस का, तो कहीं ना कहीं जर्मनी वगैरह में ब्लैकआउट होने का भी खतरा होता है। और जैसे यूक्रेन को पता है, यूक्रेन या रसिया जो स्टेपी वाला रीजन है, यहाँ बहुत सारा क्या होता है, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब जो ये राइस वगैरह हो गई, तो इनका अगर ये सप्लाई चेन अगर इनका ख़राब हो जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जिनको जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, मतलब उनको अगर इम्पोर्ट में अगर राइस वगैरह ना मिले तो उनकी कंट्री बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है, या ग्रेन्स की कमी हो सकती है। जैसे इजिप्ट को मान लीजिए, तो इजिप्ट में क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इस सप्लाई चेन की वजह से। जो एडिबल ऑयल है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सबसे ज़्यादा यूक्रेन से आता है, तो उसका भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब एडिबल ऑयल जो है उनकी प्राइसेस पूरे दुनिया में हाई हो गए थे, ठीक है। अब जैसे पता है कि आपको जो क्रूड ऑयल होता है उससे जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, जो फ्यूल फ्यूल की कमी हो सकती है, क्योंकि वार में बहुत ज़्यादा फ्यूल फ्यूल की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हुए, तो पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन जैसी हालात हो रही थी, ठीक है। जो गरीब कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे, जैसे श्रीलंका मान लीजिए, तो श्रीलंका में क्या हुआ, जो श्रीलंका की जो मैक्सिमम जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, ठीक है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कि जब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ से आते हैं, वो यूरोप से आते हैं, और जब ये जब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब वहाँ से जो टूरिस्ट हैं वो भी नहीं आ पाएंगे, तो क्या पूरी इकोनॉमी यहाँ की श्रीलंका की डैमेज हो गई और बैंकरप्सी पे चला गया, ठीक है। इसकी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, पाकिस्तान बैंकरप्सी पे रन कर रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रसिया यूक्रेन वार की वजह से ही है।